भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव साक्षात विराजते हैं, इसलिए यह हिंदुओं के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल है। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। मानसरोवर झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसका नाम मानसरोवर पड़ा। कैलाश पर्वत दुनिया के चार मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का धार्मिक केंद्र है। आज के वीडियो में हम कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे। इस पवित्र पर्वत की चढ़ाई करने वाले लोगों ने दावा किया है कि इस पर चढ़ाई के दौरान बड़ी तेजी से उनके बाल और नाखून बढ़ने लगे थे। जहां सामान्य तौर पर बालों और नाखूनों को बढ़ने में 2 सप्ताह का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत की चढ़ाई के दौरान मात्र 12 घंटे में ही बाल और नाखून बढ़ने लगते हैं। कहा जाता है कि पर्वत की हवा के कारण उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। कैलाश पर्वत के परिधि के अनुसार 4 मुख हैं। वेदों के अनुसार यह पर्वत स्वर्ग और धरती के बीच की कड़ी है। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का विश्वास है कि यह पर्वतमाला स्वर्ग का दरवाजा है। पांडवों के साथ साथ द्रौपदी को भी इसी पर्वत की चढ़ाई करते समय मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और इसी चढ़ाई के दौरान सभी पांडवों की एक एक करके मृत्यु हो गई थी। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो, और यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता हो कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई दिखती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहते हैं। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आसपास दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग कस्तूरी मृग है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। इसके पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा है राक्षस ताल, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर
और चंद्रबल को प्रदर्शित करती हैं, जिनका सीधा संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। हालांकि यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या इन्हें ऐसा बनाया गया है। साथ ही सूर्य के स्थिर होने पर पर्वत पर एक परछाई बनती है, जो कि धार्मिक चिन्ह स्वास्तिक की तरह दिखाई देती है। हिंदू धर्म में इसे अत्यंत शुभ चिन्ह माना जाता है। एक और रहस्य ये है कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर अब तक कोई नहीं पहुंच सका। कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है और कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। कई पर्वतारोहियों ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। इनमें से एक पर्वतारोही ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। रूस के एक पर्वतारोही ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक ही मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई शक्ति है जो हमें वहाँ से आगे ना जाने का इशारा कर रही है। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया और नीचे आकर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ऐसे ही कई लोगों के अनुभव इस रहस्य को और गहरा कर देते हैं कि आखिर उन ऊंची पहाड़ियों में ऐसी कौन सी शक्ति है जो इंसानों को उस जगह से दूर रखना चाहती है। ये शक्तियां कभी नहीं चाहती कि उनके बारे में दुनिया को खुलकर कुछ पता चले। कुछ पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर पहुंचकर अचानक से दिशा भ्रम होने लगता है और दिशा बतलाने वाले उपकरण भी काम करना बंद कर देते हैं। कैलाश मानसरोवर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि लोगों की आस्था का प्रतीक है। कहते हैं, सारे तीर्थ 100 बार, कैलाश यात्रा 1 बार। इसलिए हर भक्त की दिली ख्वाहिश होती है कि वो अपने जीवन के अंतिम सांस से पहले एक बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा जरूर कर ले। कैलाश के अद्भुत रहस्यों से भरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।